नमस्कार, खुश रहे घर परिवार। माय डियर फ्रेंड्स, देखो आ गई होली फिर से। पिछले 2 सालों से तो भैया कोरोना के कारण हम लोग कोई तीज त्योहार ढंग से मना ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तीसरी लहर को हमारे प्यारे देशवासियों ने जिस तरीके से समझदारी से डील किया है ना, तो अब सरकार ने भी हमें इजाजत दी है, कुछ चीजों में छूट दी है कि भाई मनाओ अपने तीज त्योहार, तो क्यों ना मनाए हम होली इस बार पूरे खुशी और उल्लास के साथ। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना के बाद किस तरह से आप होली मनाओ और मैंने किस तरीके से होली मनानी है ये आपको बताऊंगी, जिससे कि होली का त्योहार एक मीठी याद बनकर आपके दिलों में समा जाए। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज देखो होलिका दहन का दिन है, तो मैंने है ना 12 बजे अपनी पूजा कर ली है। अब पूजा के बाद शाम को मैं होली जलाने के कार्यक्रम में जाऊंगी। हमारे यहाँ ना मंदिर में एक साथ सब लोग करते हैं, तो अभी पिछले 2 साल से तो कर नहीं रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने छोटा सा किया, तो मैं वहां पे जाऊंगी और वहां पर शाम को फिर पूजा करूंगी। बीच में मैंने सोचा क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए, एक वीडियो बनाया जाए। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, प्ले सेफ होली। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिन वीडियोस में लोग पेंट, गंदा रंग, पक्के रंग और कीचड़, यहाँ तक कि एक वीडियो में तो मैं सुन रही हूँ कि वो सीवर का पानी डाल रहे हैं और पीछे से बोल रहे हैं कि हाँ, ये तो सीवर का पानी है, इसको डालो। भैया इतनी गंदी होली कभी मत खेलो, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। प्ले सेफ होली, हर्बल कलर से खेलो, फ्लास से जितनी मर्जी खेलो। देखो मैंने लिए ये हर्बल कलर, ग्रीन कलर है, कितना सुंदर है, इसको भी आप लगा दोगे तो कितना अच्छा आएगा। और ये देखो, ये मैंने लिए हल्दी, हल्दी भी अपने लिए अच्छी होती है, हल्दी बिल्कुल अच्छा पीला रंग है, इसको लगा दो। और अब मैंने किया क्या, देखो ये है मेरा होली लुक, ये मैंने कैसे लाया, देखो ये है मेरे पास नारियल का तेल, इसमें मैंने थोड़ा इसको गर्म किया था, उसमें कपूर डाल लिया। अब जब मैंने इसमें कपूर डाला तो ये वैसे ही बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू हो गई, उसको मैंने अपने पूरे हाथ पैर मुंह पे लगाया, बालों में लगा। देखो बालों मैंने आज हेयर स्टाइल क्या किया, बैक कॉम्बिंग कर रखी है। अगर हर्बल कलर भी कोई टीका भी लगा रहा है तो अननेसेसरी क्यों जाए वही बालों में, ठीक है अगर थोड़ा बहुत चला भी जाएगा तो ठीक कर लेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से तो सेफ रहे ना। तो क्या करो, कोशिश करो कि सेफ होली खेलो और अपनी बात को कहना सीखो। देखो मैं हमेशा होली खेलती हूँ, लेकिन सेफ खेलती हूँ, अपनी बात को कह देती हूँ और भागती नहीं हूँ कभी भी। कहती हूँ हाँ जी मेरे लगा दो कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगाओ टीका लगा दो, फ्लावर्स से खेलो, फ्लावर्स से तो हम इतनी मस्ती करते हैं, खूब खेलते हैं। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे ना, मैंने एक दो पोस्ट किए थे ना अभी, कितने मस्त वीडियोस हैं, डांस के वीडियोस मैंने पोस्ट किए। भैया हम तो पूरे 1 महीने से फाग खेल रहे हैं, लेकिन खेलते कैसे हैं, सेफ फूलों से खेल रहे हैं, खूब अच्छे अच्छे हर्बल टीका लगा रहे हैं, चंदन से, हल्दी से, तो उससे हमें कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। तो इसी तरीके से सेफ होली खेलनी चाहिए। अब देखो अगर आप लकी हो और आपने फूलों से और हर्बल कलर से होली खेली है तो भैया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पता है क्या, ऐसे फ्रेंड्स और रिश्तेदार होते हैं ना जो इसी ताक में रहते हैं कि भैया तुम होली खेलो और फिर उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे, यानी पिछले से वो बही खाता होता है ना, मार्च एंडिंग में पूरा किया जाता है। तो ये वाला जो फ्रेंड्स और रिश्तेदार होते हैं ना, ये कहते हैं भैया इस बार का बही खाता तो हमें होली पे ही पूरा करना है, तो अब ये लगा देते हैं तुम्हारे कई बार पक्के रंग, कई बार ऐसे पानी में घोल के, एक वो कलर होता है ना पानी में डाल के तुम्हें सिर में डाल दिया, ओ सारे सिर में हो गया, और कई तो पूरे काले काले, अरे मेरे को तो सोच के भी डर लगता है, लेकिन अब हो गया तो क्या करो, अब कुछ तो देखना पड़ेगा ना। तो देखो टिप नंबर 2 बताती हूँ कि कैसे, अगर तुम्हारी होली का कलर लग गया तो तुम कैसे साफ करो। देखो सबसे पहली बात तो गर्म पानी से बिल्कुल साफ मत करना, ठंडा पानी लेना, दही में बेसन मिलाना और उसको घोल के, और अगर तुम्हें मूली मिल जाती है तो मूली का रस ले लो और उसको लगाओ, फटाफट फटाफट सारा कलर निकल जाता है। बालों में शैम्पू करो, एकदम माइल्ड शैम्पू, एकदम माइल्ड शैम्पू। और एक सबसे जरूरी टिप बता रही हूँ, ज्यादातर लोगों को पता है क्या होता है, जब होली हो जाती है, पहले तो खूब खेलते हैं खूब खेलते हैं, अच्छा जब होली हो जाती है तो एक ही साथ फिर ये सोचते हैं कि बस एक ही बार में पूरा कलर निकल के एकदम साफ हो जाए। भैया तुमने पक्के रंग लगाए तो कैसे साफ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं भैया निकल जाएगा, 1-2 दिन में निकल जाएगा। सबसे जरूरी चीज ये है कि स्किन पूरी साफ होनी चाहिए, बाल पूरे साफ होने चाहिए, ये बहुत जरूरी। ये होली पे आजकल ये जो भांग का भी बहुत ज्यादा रिवाज है, तो मैं तो कहूंगी भैया बिल्कुल दूर रहो और बहुत अलर्ट रहो, और जब तक तुम्हें पूरी श्योरिटी ना हो ना, होली के दिन ना कहीं गुजिया भी मत खाया करो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कुछ ना ऐसे शरारती तत्व होते हैं ना, अपने ही होते हैं भैया ये रिश्तेदार या कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो कभी मिठाई में कभी ठंडाई में, अरे लो जी लो जी ये तो ठंडाई है, क्या हो गया, हम तो दूध पिला रहे हैं तुम्हें क्या परेशानी है, ठंडाई पिला रहे हैं क्या परेशानी है, अरे लो होली पे सब चलता है करके उसमें कुछ आपको मिला देंगे। अगर जो कभी ऐसे चंगुल में आ जाओ तो तुरंत तुम्हें पता चल जाए कि यार मेरे तो कुछ चढ़ रहा है भांग का कुछ ऐसा, तो अपने घर वालों को सबसे पहले बताओ और शांत हो जाओ एकदम, क्योंकि देखो होली के टाइम अगर कुछ आपसे ऐसा हो गया ना, कोई ऐसा व्यवहार हो गया आपसे, तो
उन लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बाद में ना आपकी मजाक भी बहुत बना सकते हैं, साथ में आपको खुद भी एक ना गिल्ट सा हो जाता है कि आप तो इतने अच्छे साफ सुथरे से इंसान हो, इतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है और आपकी इतनी अच्छी इमेज है, फिर ये क्या हुआ, ऐसे कैसे आपने बोल दिया, ऐसे कैसे आपने व्यवहार कर दिया। तो अपना ना शांत रहो और कम से कम 2-3 दिन आने वाले समय पे भी अपने व्यवहार पे नजर रखो, क्योंकि होता ये है कि कई बार ये भांग का जो असर होता है ना हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है भाई, और फिर उससे हमें ना डिप्रेशन सा भी होने लगता है, कई लोगों को मैंने देखा है बहुत डिप्रेशन हो जाता है, तो ध्यान रखना। नंबर 4, अब कई बार पता है क्या होता है भैया, गुजिया बनाने का शौक तो मुझे भी है और मैं ना घर में बनाती हूँ, अब अपन ने देखा भैया बहुत सारा सामान बचा हुआ है, मेहमान भी चले गए, अब आजकल के समय में सारे के सारे तो इतने डाइट कॉन्शियस है ना घर वाले, मैं तो अपने घर में भी कहती हूँ बच्चों खा लो, नहीं, हमें नहीं खाना, एक गुजिया भी भाई बहुत मुश्किल से आधी गुजिया खाएंगे, अब सामान बच गया क्या करूँ। देखो माई डियर फ्रेंड्स, पकवान सिर्फ एक दिन, उसी दिन खाओ, दूसरे दिन अगर आपके कोई पकवान बच जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज होते हैं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको फोन करो, वो आपके पास आएंगे, अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं, आपके वर्कर्स हैं या कोई आसपास भी आप देखते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको दे दो, सारा दे दो, मत रखो घर में। उससे क्या होगा कि एक तो आप लोगों को दुआ मिलेगी। अब आज क्या आपको मेन्यू रखना चाहिए, आज का मेन्यू होना चाहिए बहुत हल्का, यानी खिचड़ी, सूप, दलिया, सबसे बढ़िया तो दलिया, वेजिटेबल दलिया बना लो भैया खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के, या फिर खिचड़ी बना लो खूब सारी वेजिटेबल्स डाल करके, तो उसमें भी बहुत मजा है। आजकल ना तरबूज भी अब आने लग गया है, तो उसका ना जूस बना लो, उससे क्या होता है थोड़ा ना दिमाग भी ठंडा होता है और बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया ना कि क्या अच्छी सी चीज़ आप बना सकते हो, ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट में 5वां पॉइंट बता रही हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, माय डियर फ्रेंड्स, बैगेज मत रखना। होली पे कई बार ऐसा होगा आपके साथ में कि भाई किसी ने कुछ कह दिया, किसी की कोई शरारत हो गई, कोई फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है, प्लीज होली के साथ ही, जैसे होली में आपने जलाई थी ना सारी नेगेटिविटी जलाई थी होली के दिन, ठीक है, जो होली के बहुत से रंग लगे, तो कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ बातें ऐसी आपके माइंड में गई। अब आपको करना क्या है कि जैसे होली का रंग साफ किया ना, ऐसे आहा बिल्कुल साफ कर दो भैया, नहा लिए खूब अच्छी तरीके से, रंग भी साफ कर दिया, और रंग साफ करने के साथ साथ कोई भी नेगेटिव बात जो आपको नहीं पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स के बारे में, घर वालों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, उन सभी को माफ कर दो। बहुत 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 शुभकामनाएं माय डियर फ्रेंड्स, होली के हजारों रंगों के साथ आप खूब इंजॉय करें, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नए इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ। तो करो ना कुछ ऐसा कमाल की दुनिया दे आपकी मिसाल, और खुश रहे घर परिवार, भारतवर्ष के त्योहारों का सम्मान कीजिए और होली खेलिए खूब आनंद के साथ। नमस्कार।